रविवार रात को यूएई से मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या से एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 5 करोड़ की 2 घड़ियां जब्त की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही दावा किया जा रहा है, लेकिन हार्दिक ने अब इस पर अपनी सफाई दी है। हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में 2 अहम बातों का जिक्र किया है। पहली तो ये कि उनसे घड़ी जब्त नहीं की गई। दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो खुद कस्टम डिपार्टमेंट गए और उन्होंने अपनी घड़ी सौंपी। दूसरी बात ये कि घड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए नहीं बल्कि करीब 1.5 करोड़ रुपए है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हार्दिक के पास उन घड़ियों का बिल नहीं था और उन्होंने इसको अपने सामान में डिक्लेयर भी नहीं किया था। सोमवार को खबर मीडिया में आने के बाद मंगलवार सुबह हार्दिक ने ट्विटर के जरिए अपना बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, 15 नवंबर की सुबह सुबह दुबई से जब लौटा तो अपना सामान उठाने के बाद मैं खुद कस्टम काउंटर पर गया उन चीज़ों को डिक्लेयर करने जो मैं वहां से लेकर आया था, और मैंने ज़रूरी कस्टम ड्यूटी भी भरी। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने आगे लिखा, मैंने अपने साथ लाए सभी सामानों को डिक्लेयर किया जो मैंने लॉफुली दुबई से खरीदा था, और जो भी कस्टम ड्यूटी उन सामान पर लगती उनको भरने के लिए राजी था। आपको बता दूं, कस्टम डिपार्टमेंट ने मुझसे सामान खरीदने के डॉक्यूमेंट्स मांगे और वो जमा कर दिए गए। कस्टम डिपार्टमेंट इन सामान की ड्यूटी का वैल्यूएशन कर रहा है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो ड्यूटी होगी मैं उसको भरने को तैयार हूं। घड़ी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, ना कि 5 करोड़ रुपए, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है।